अब इस कमरे में जो कोई भी आएगा उसके पैरों में ये हल्दी लग जाएगी। अब यही निशान मुझे उस तक लेकर जाएंगे जिसने मुझसे टकराने की गलती की है। मैं जानती थी ये बुढ़िया ही होगी। गिरती हुई दीवार जो अल्लाह जाने कब गिर जाए। मेरे सामने खड़े होने की जुर्रत कर रही है। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर। बचाओ शेरी, जल्दी आओ। दादी क्या हुआ? अम्मी दादी क्या हुआ? देखो ना, ये रस्सी हमारे पीछे क्यों पड़ी है? हम तो खुद लाचार यहाँ पड़े, बेबस पड़े, और ये कहती है कि हम इसकी जान लेने की कोशिश कर रहे थे। अब तुम चल भी नहीं सकते। अभी अभी आप ये कैसे कह सकती हैं? आप भूल गई डॉक्टर ने खुद कहा था कि अम्मी चल तक नहीं सकती हैं। झूठ बोल रही है, नाटक कर रही है। अरे अभी 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 मेरे कमरे में आई है, यही आई है मेरे कमरे में। क्या तुम्हें क्या लग रहा है कि मेरा दिमाग खराब हो गया? अरे मैं सच कह रही हूँ, बड़ी भी मेरे कमरे में आई थी, कुछ नहीं हुआ है। अरे आपको हो क्या गया? तुम लोग नहीं मानोगे ना, नाटक कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। मुझे पता था और शक था मुझे कि ये ऐसा ही कुछ करेंगे, इसीलिए मैंने अपने दरवाजे पर बाहर हल्दी डाल दी थी। और देखो ये देखो ये देखो, वहां से यहां तक आते हुए इनके निशान, और ये देखो ये इनकी चप्पल यहीं पर। ये चप्पल दादी की नहीं, आपकी है। मेरी चप्पल यहां पर कैसे आ सकती? हाय भाभी, ऐसा लगता है जैसे आपको भी वही बीमारी हो गई है जो अम्मी को हो गई थी। बौखलाने लगी हैं आप। अम्मी अब चलिए यहाँ से, अम्मी चलिए, अम्मी चलिए ना। नहीं दादी, अल्लाह जाने किसकी नजर लग गई है हमारे घर को। चलिए हमें पता था रसिया, हमें फंसाने के लिए तुम कोई ना कोई जाल जरूर बिछाओगी। ये लो, अब अपनी जाल में खुद सैयद आ गया। ये खेल तुमने शुरू किया था रसिया, लेकिन खत्म हम करेंगे। हम तुम्हारे मुंह से
तुम्हारे सारे गुनाह कबूल करवा कर ही रहेंगे और हमारे बेटे को आजाद करवा कर ही रहेंगे। रजिया, देखती जाओ अब क्या से क्या होता है। निखत बजे? हाँ। निखत बजे ठीक है ना? अब बेटी है आपके? हाँ मेरा, मैं ठीक हूँ, बस हल्का सा चक्कर आ गया था। मैं जानती हूँ आप अपने अब्बू को लेके बहुत परेशान हैं, लेकिन बाजी आप खुद का भी ख्याल रखिए। देखिए ना अब कितनी पीली पड़ गई है। आपको पता है अनीमिया एक ऐसी बीमारी है जो ज्यादा औरतों में पाई जाती है। खून में आयरन की कमी, चक्कर आना, लो बीपी, ना जाने क्या क्या। और बाजी आपको पता है प्रेगनेंसी में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती है। लेकिन हुमैरा, तुम ये सब मुझे क्यों बता रही हो? मैं तो बस आपको आगाह कर रही हूँ बाजी। देखिए ना, यही तो प्रॉब्लम है। इंडिया में हर दूसरी औरत अनीमिया का शिकार होने के बावजूद भी उनको इसके बारे में कुछ नहीं पता। बाजी आपको पता है 10th मार्च को आई कैन मैराथन है, ये अनीमिया की तरफ एक अवेयरनेस कैंपेन है। मैं इसको सपोर्ट करके अपना फर्ज जरूर निभाऊंगी। बाजी मैं तो कहती हूँ आप भी इसके बारे में सबको बताओ और इसमें हिस्सा लेने के लिए सबको कह दो। हाँ वेरा, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, हम इसे जरूर सपोर्ट करेंगे। क्या हुआ मिस्टर खान? पीछे के दोनों टायर्स पंक्चर थे। अच्छा, अल्लाह मियां, ये सब तो होना ही था। मैंने आपसे कहा था ना आप रूहों को चैलेंज मत कीजिए, आपने ठीक नहीं किया मिस्टर खान। वो कोई रूह नहीं थी, I'm sure किसी गैंग का मेंबर होगा जो सुनसान सड़कों पे गाड़ियों को लूटते होंगे। नो मिस्टर खान, मैंने नेट पे पढ़ा है ये सड़क ना ठीक नहीं है, मुझे बहुत डर लग रहा है मिस्टर खान। आप रुकिए, मैं किसी मैकेनिक को बुला के आता हूं। नो मिस्टर खान, हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए, यहाँ आसपास कहीं सर छुपाने के लिए जगह नहीं है। है ना हमारी गाड़ी, मैं मैकेनिक को लेकर। मिस्टर खान मुझे यहाँ नहीं रुकना है प्लीज। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर।